वो जो लीन पैच है जिंदगी का, उसमें इंसान अगर याद रखे इस बात को कि मेरे रब ने मुझे इतना अरसा जो उस लीन पैच से बहुत लंबा है, अगर उसकी मौजूदगी में थोड़ा सा एक लीन पैच आ गया तो ये भी गुजर जाएगा। ये ज़ाती तजर्बा भी है, और कि वो जो लीन पैच आता है ज़िंदगी में, उसके बाद जो अल्लाह ताला अरूज अता फरमाता है, वो हम में से हर आदमी अगर अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाले, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो सबके लिए यकसां है। होता ये है कि उस लीन पैच में हम बड़ी दुआएं करते हैं, और लगता हमें यही है जैसे आपको लगा कि कोई दुआ काम नहीं करती, कोई वजीफा काम नहीं कर रहा, वो दुआएं सब जमा हो रही होती हैं, तो उसके बाद इकट्ठे ही उनके इनामात मिलते हैं, इसलिए पहले से ज़्यादा अरूज होता है। उसमें वो जो मशहूर ग़ुलाम, शायद इससे ज़्यादा शोहरत किसी ग़ुलाम को नहीं मिली, वो थे अयाज महमूद के ग़ुलाम। तो एक दिन वहाँ बैठे थे दरबार में, तो बादशाह ने फ्रूट खाने लगा, तो उठा के पहले एक फ्रूट, एक पीस फ्रूट का वज़ीर को दिया, तो वज़ीर ने एक बाइट ली और चुपचाप रख दिया एक साइड पर। अयाज मज़े से खाता रहा, तो महमूद ने वज़ीर से पूछा कि क्या हुआ, खा नहीं रहे आप? तो उसने कहा कि हजूर ये कड़वा है। तो अयाज से पूछा कि क्या फ्रूट कड़वा है? उसने कहा जी हजूर। फिर खा के क्यों रहे हो? उसने कहा जी आपने सारी उम्र क्या क्या नेमतें नहीं खिलाई मुझे, आज अगर कड़वा फल दे दिया तो क्या हुआ, मैं इनकार कैसे करूँ?